सो है गाइस, वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक वीडियो ला रहा हूँ आप लोग के लिए। एक वीडियो था, इससे पहले लास्ट वीडियो यह था कि मैं YouTube छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला, ये डायलॉग आपने बहुत लोग सुने होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज के ब्लॉग मैं यहीं से शुरू करता हूँ। आज है हम लोग का लास्ट एग्ज़ाम, जिसके वजह से मैं अभी तक वीडियो बनाने के लिए कहीं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। सोचा कि इस यही वीडियो से एक न्यू कंटेंट दे दूँ आपको, और इसी वीडियो से शुरुआत हो जाए। और चलते हैं हमारे सेंटर पीके रॉय, और बहुत कुछ है, लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ स्पेशल होने वाला है। और हमारे साथ अनिमेश है जो कि यहाँ रेडी है, तो हम लोग चलने वाले हैं साथ में। चलिए मिलते आगे, उठिए गाइस, और हम लोग यहाँ पर अब चलने वाले हैं। नाउ गेट रेडी गाइस, अभी मैं सेंटर पहुँच चुका हूँ और मेरा बाइक इधर पार्क कर दिए गए और बाकी लोग इधर हैं। अब हम लोग चलेंगे आगे और आपको सेंटर लेके चलेंगे, फिर उसके बाद आफ्टर एग्ज़ाम कुछ खास है वो आपको देखने को मौका मिलेगा। पहले चलते हैं सेंटर के अंदर, कॉलेज का गेट दिखाते हैं, फिर आपको व्यू दिखाते हैं। इधर ये दो बंदा क्या कर रहा है? पहुंच चुका है, आज लास्ट देना एग्जाम का, आग लगा देना है और बीएड कैसे पास किया जाता है हमसे। वो देखो रोड पार कर रहा है, हाय करते हुए, हाय कर दो। अबे आगे देख, आगे देख के एग्जाम में पार हो जाएगा। ये दोनों का इंटरव्यू भी हो चुका है, लास्ट एग्जाम है, मौसम बिगड़ने वाला है, अपना कुर्सी की पेटी बांध लो, चलते अब आगे। तो फिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का हमें इंतज़ार तो था, पर उससे कहीं ज़्यादा इसके आने का दुख भी। ये हमारे कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर था, बिलीव ही नहीं होता है कि लास्ट एग्ज़ाम आ गया है। ऐसा लगता है जैसे कल ही एडमिशन लिए हैं और आज लास्ट एग्ज़ाम आ गया। चलिए मिलते हैं कुछ देर में, एग्ज़ाम का टाइम अब शुरू होने वाली है, तब तक मैं एग्ज़ाम दे देता हूँ, आप इंतज़ार कीजिएगा। फाइनली एग्ज़ाम देकर मैं निकल ही रहा हूँ। मैंने चारों तरफ देखा कि मेरे चेहरे में और मेरे सभी दोस्तों के चेहरे में खुशी इस कदर थी कि इस खुशी का बयान मेरे सभी दोस्त, क्लासमेट दिवाकर, सोहेल, अनिमेश, हम सब मिलकर अपने सभी दोस्तों के साथ पेन डे सेलिब्रेट करने की खुशी का बयान कर रहे हैं, जिसमें हम सब एक दूसरे के सट में अपनी मन की बात लिख रहे हैं। कोई अपना सिग्नेचर, कोई अपना ऑटोग्राफ दे रहा है, और कई फ्यूचर ब्लेसिंग भी लिख कर दे रहे हैं। हर कोई मुस्कुरा रहा था उस दिन, शायद इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर अब ख़त्म हो चुका था। ऐसा लगता था जैसे आज़ादी मिल गई हो और आने वाली लाइफ अब बेहद आसान हो जाएगी। इस कॉलेज लाइफ का, जिसको हमने सोचा था बहुत इंजॉय करेंगे, जितना अच्छा हम कॉलेज लाइफ को सोचते थे, ये उतनी ही जल्दी ख़त्म हो गई। कितनी सारी यादें हम आज यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे, कुछ से तो चलो मिलना होगा और कुछ से तो हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। वो हमारा क्लासरूम, वो मॉर्निंग असेंबली, वो पीओटी लाइफ, वो असाइनमेंट फाइल बनाना, वो लेसन प्लान बनाना, वो टीएलएम बनाना कलरफुल चार्ट पेपर में, वो कॉलेज में होने वाले सभी प्रोग्राम में फनी स्किट करना, और हाँ भूल ना जाना वो मामा होटल की चिल्ली फराटे जो हम साथ में खाते थे, वो समोसे की दुकान जो हम तक एक कॉल करने पर समोसा डिलीवर कर देते थे हमारे पास आकर, वो कैंटीन को बर्थडे पार्टी का लोकेशन बनाना,
कितना कुछ सिखा गया ना ये कॉलेज हमें। शब्दों में बयान करना आसान नहीं, कुछ पता नहीं चला यहाँ 2 साल कैसे बीत गए। शुरुआत में अकेले थे और अब दोस्तों के ग्रुप बन गए। सब कुछ बदला है पर एक चीज़ नहीं बदली, यार हम यहाँ सिंगल आए थे और आखिर में भी सिंगल रह गए। खैर कम दोस्त मिले पर जो भी मिले मस्त मिले। आई विश कि आने वाली लाइफ इससे तो बेहतर मिले। अब फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम है जो ख़त्म हो गई और पूरी कॉलेज लाइफ भी ख़त्म हो गई। मैं आप सबका फोटोग्राफ या यूट्यूबर, आप ही का बैचमेट, सारी यादों को कैमरे में समेट कर मैं साथ ले जाना चाहता था। उस दिन सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे, इमोशनल होकर वादे कर रहे थे, टच में रहेंगे, साल में एक बार जरूर मिलेंगे। मेरे शब्दों को इतने ध्यान से मत सुना करो दोस्तों, कुछ याद रह गया तो मुझे भूल नहीं पाओगे। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। वैसे लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। शायद फिर वो तकदीर मिल जाए, जीवन के वो हंसी पल मिल जाए। चल फिर से बैठे वो क्लास के लास्ट बेंच पे, शायद फिर वो पुराने पल मिल जाए। ना जाने इस जिंदगी के सफर में फिर कब हमारी मुलाकात होगी। पहले टेंशन फ्री होते थे हम सब, अब हर एक को अपना कैरियर की चिंता होगी। जैसे कि आप सबने देखा होगा आज का ये ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग था। एग्जाम के बाद आज लास्ट एग्जाम था, उसके बाद हम लोग जो फेस पे स्माइल था, चलो इसी खुशी में एक पेन डे सेलिब्रेट कर लेते हैं जो कि आप लोग ने देखा। इसमें बहुत लोग के चेहरे पे खुशी है लेकिन उस चेहरे के पीछे बहुत सारे गम भी है, क्योंकि आज के बाद बहुत सारे दोस्त अपने जगह चले जाएंगे। कोई उस पल को याद करेंगे जो बीएड में अपने गुजारे हैं, वो पीओटी का दिन, वो बीएड के कॉलेज का दिन, सारा दिन याद करेंगे। चलिए आज का ये ब्लॉग एक ब्लॉग नहीं है, ये बीएड 2022 अपने कॉलेज का एक मेमोरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय हिंद, वंदे मातरम।